मैं इस चीज को चार पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ. नंबर वन होगा ओवरवर्ल्ड गाइड, नंबर टू होगा नेदर गाइड, नंबर थ्री होगा एंड गाइड, और नंबर फोर होगा मेरा भाई जो गाइड देगा वो है एन्चेंटमेंट गाइड्स. सो चार पार्ट में डिवाइड होने वाला ही है, और ये सीरीज़ का नाम होगा माइनक्राफ्ट गाइड. सो देख लेना, नंबर वन डालूँगा भाई, अब नेक्स्ट आता रहेगा, एक एक दिन में आता रहेगा. हेलो गाइस, वेलकम टू रेडियो. तो आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, और आज मैं बताने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ बेसिक थिंग्स जो कि बिगिनर को काम आते हैं. सो लेट्स गो. ओ भाई जरा थोड़ा फैन ऑन कर दो जरा. तो सबसे पहले आपको आपको कहीं भी स्पॉन हो जाएगा रैंडमली कहीं भी, और आपको इधर वुड तोड़ना है. सबसे पहले वर्ल्ड में आते ही वुड तोड़ना है, ये तो हो गया. इससे आपको 20 लॉक्स तोड़ना है, इतना मिल जाएगा जैसा दिख रहे हो अबे. और हाँ, आप अगर होल्ड करके रखोगे तो आपको एकदम मिलता रहेगा, और इससे इतना मिलता है. और इसके बाद आपको एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना है और चार स्टिक्स बनाना है, और उसके बाद अभी पूरा उसके बाद आपको क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करना है, और आपको टूल्स बनाना है, एक्स या फिर सॉर्ड, ये दो में से आप कुछ भी बना सकते हो. स्टोन तोड़ना है, स्टोन आप 20 तोड़ सकते हो, 20 या फिर उससे ज़्यादा तोड़ सकते हो. उसके बाद आपको स्टोन का टूल्स बना लेना है, स्टोन के टूल्स के साथ आपको फर्नेस भी बना लेना है. फिर आप तोड़ सकते हो, इससे भी तोड़ सकते हो और इससे भी तोड़ सकते हो, दो में से भी तोड़ सकते हो. अगर आप स्टोन से तोड़ोगे तो आपको फास्ट ब्रेक होगा वो. और फिर उसके बाद आपको आयरन माइन करने जाना है. फर्नेस में आपको ऐसा रखना है, और इधर कुछ भी स्मेल्ट करने रख सकते हो. खाना स्मेल्ट कर सकते हैं, कॉपर और एमेथिस्ट शार्ड से एक दूरबीन बना सकते हैं. दूरबीन नहीं बोलते उसको, ताकि बोलते हैं लेकिन दूरबीन नहीं. हां ठीक है, छोड़ो यार, हमारे लैंग्वेज. ओके, तो ये बना, ये कर लेने के बाद आपको फिर आयरन का आर्मर बनाना है. आयरन का आर्मर और आयरन के बारे में मैं आपको बताता हूँ. आर्मर के बारे में, पहले आपको आर्मर बनाना हो तो 25 आयरन इंगट चाहिए, उससे आप आर्मर बना सकते हो. पूरे टूल्स के साथ आपको 35 चाहिए, उससे आप पूरे टूल्स के साथ आर्मर बना सकते हो. आयरन के टूल्स बना लेने के बाद आपको -54 लेवल पे जाना है, और स्ट्रेट माइनिंग करना है. स्ट्रेट माइनिंग मतलब अब बताते हैं, स्ट्रेट माइनिंग करना है, और वो जो मैंने कोल माइन किया था ना, उससे आपको एक उससे स्टिक्स और कोल से आपको एक टॉर्च बना लेना है. सो गाइस, हम विलेज में आ चुके हैं, और विलेज में आते ही इसने इसको पंगा ले लिया है, और आयरन कॉलम बहुत ज़्यादा मरता है, इसलिए आपको 3 ब्लॉक की हाइट में जाना है. उसके बाद आपको आयरन का बना लेना है आर्मर, उसके बाद आपको डायमंड का आर्मर बनाना है. डायमंड का आर्मर बना के, और उसके बाद उसको टूल्स बनाना है. आप दो तरीके से आपको आर्मर और टूल्स को एन्चेंट कर सकते हो. एक तो है आप एन्चेंटमेंट टेबल बना लेना जिसका, और या तो फिर आप विलेज में जा सकते हो. विलेज में मैं जाके बताता हूँ. ध्यान रखना है कि आजू बाजू कोई भी एक ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चढ़ के आपको मार सकता है. इतने 3 ब्लॉक के हाइट में उसको मारना है, और उसके बाद उससे आपको 3 या 4 आपको मिल जाएगा. मैं विलेज में वापस नहीं जा रहा मैं अब, और उसके बाद विलेज में ही रहना है, और उधर से आपको चाहे तो विलेजर्स को आपको ये देना है, ये स्क्रीन में शो हो जाएगा, ये चीज़ बना के आपको उनके साइड में रखना है, और वो जॉब ले लेंगे. उसके बाद आपको उनसे ट्रेड करके उनसे ट्रेड करके आपको एन्चेंटमेंट बुक्स ले लेना है, और आपको एनविल से उसको ये कर लेना, एनविल से लगा लेना है आपके टूल्स और आर्मर पे. यह ध्यान रखना, दो को भी एक्सपी चाहते हैं, एक्सपी चाहिए. गाइड भी तुम्हें बोलना है, ठीक है, उसमें मैं तब तक नेदर में जा के आता हूँ.